वीक 47 की ऑनलाइन टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है और इस हफ्ते की लिस्ट में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते की टॉप 15 की लिस्ट में किन किन ड्रामाज ने जगह बनाई है। नंबर 15 पर आया है हम टीवी का ड्रामा इश्क इला, जिसने हासिल किए हैं 5.2 रेटिंग पॉइंट्स। इस हफ्ते इस ड्रामे की रेटिंग्स में गिरावट आई है, लास्ट वीक यह ड्रामा नंबर 7 पर था। नंबर 14 पर आया है ARY डिजिटल का शो जीतो पाकिस्तान, जिसने हासिल किए हैं 5.3 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लास्ट वीक भी शो नंबर 14 पर ही था। नंबर 13 पर आया है ARY डिजिटल का ड्रामा अमानत, जिसने हासिल किए हैं 5.7 रेटिंग पॉइंट्स। इस हफ्ते इस मल्टी स्टारर ड्रामे की रेटिंग्स में भी गिरावट आई है, लास्ट वीक यह ड्रामा नंबर 8 पर था। नंबर 12 पर आया है हम टीवी का ड्रामा सिला ए मोहब्बत, जिसने हासिल किए हैं 6.0 रेटिंग पॉइंट्स। इस हफ्ते ड्रामे ने काफ़ी अच्छी रेटिंग्स हासिल करते हुए अपनी हाईएस्ट रेटिंग्स हासिल की हैं। नंबर 11 पर आया है जियो टीवी का ड्रामा दौर, जिसने हासिल किए हैं 6.5 रेटिंग पॉइंट्स। इस ड्रामे ने भी हमेशा ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लास्ट वीक यह ड्रामा नंबर 8 पर आया था। नंबर 10 पर आया है ARY डिजिटल का ड्रामा मैं हरी पिया, जिसने हासिल किए हैं 6.7 रेटिंग पॉइंट्स। सम्मी खान, हीरा मणि और सुम्बुल तौकीर खान स्टारर यह ड्रामा भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। नंबर 9 पर आया है हम टीवी का ड्रामा हम कहां के सच्चे थे, जिसने हासिल किए हैं 6.9 रेटिंग पॉइंट्स। उस्मान अख्तर, माहिरा खान और कुबरा खान स्टारर यह ड्रामा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नंबर 8 पर आया है ARY डिजिटल का ड्रामा बद्दुआ, जिसने हासिल किए हैं 7.2 रेटिंग पॉइंट्स। अमर खान और मुनीब भट्ट स्टारर यह ड्रामा भी इन दिनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नंबर 7 पर इस हफ्ते दो ड्रामे आए हैं। पहला है ARY डिजिटल का बेरुखी, जिसने हासिल किए हैं 7.5 रेटिंग पॉइंट्स। यह ड्रामा लास्ट वीक नंबर 5 पर आया था। और दूसरा ड्रामा है हॉरर ड्रामा नीली जिंदा है, जिसने हासिल किए हैं 7.5 रेटिंग पॉइंट्स। ARY डिजिटल का यह ड्रामा लास्ट वीक नंबर 10 पर था। नंबर 6 पर आया है ARY डिजिटल का नया ड्रामा सिन्फे अहन, जिसने हासिल किए हैं 7.9 रेटिंग पॉइंट्स। वुमेन्स स्टील पर बेस्ड इस ड्रामे की कहानी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई है। यह हाई बजट ड्रामा भी काफ़ी अच्छा है। नंबर 5 पर आया है जियो टीवी का ड्रामा दिल ए मोमिन, जिसने हासिल किए हैं 8.1 रेटिंग पॉइंट्स। फैसल कुरैशी और मदीहा इमाम स्टारर इस ड्रामे ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लास्ट वीक ड्रामा नंबर 7 पर था। नंबर 4 पर दो ड्रामे आए हैं। पहला है जियो टीवी का नया ड्रामा फसिक, जिसने हासिल किए हैं 8.2 रेटिंग पॉइंट्स। यह इस ड्रामे की ओपनिंग टीआरपी है। और दूसरा ड्रामा है जियो टीवी का ही बन्नो, जिसने हासिल किए हैं 8.2 रेटिंग पॉइंट्स। इस ड्रामे ने भी हमेशा अच्छा खासा परफॉर्म किया, लास्ट वीक यह ड्रामा नंबर 4 पर था। नंबर 3 पर आया है जियो टीवी का ड्रामा मोहब्बत छोड़ दी मैंने, जिसने हासिल किए हैं 8.3 रेटिंग पॉइंट्स। इस ड्रामे ने भी शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, इस ड्रामे के भी यह लास्ट रेटिंग्स हैं। नंबर 2 पर दो ड्रामे आए हैं। पहला है हम टीवी का परीजाद, जिसने हासिल किए हैं 8.8 रेटिंग पॉइंट्स। यह ड्रामा इन दिनों बेहद ही अच्छी रेटिंग्स हासिल कर रहा है, लास्ट वीक ड्रामा नंबर 1 पर था। और दूसरा ड्रामा है जियो टीवी का मोहब्बत दाग की सूरत, जिसने हासिल किए हैं 8.8 रेटिंग पॉइंट्स। समी खान और नीलम मुनीर स्टारर यह ड्रामा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नंबर 1 पर आया है ARY डिजिटल का ड्रामा बेनाम, जिसने हासिल किए हैं 10.4 रेटिंग पॉइंट्स। ड्रामे ने इस हफ्ते बेहद ही अच्छी और अपनी हाईएस्ट रेटिंग्स हासिल की हैं, लास्ट वीक यह ड्रामा नंबर 2 पर था। तो ये है वीक 47 के टॉप 15 पाकिस्तानी ड्रामाज। अगले हफ्ते कौन सा ड्रामा बन सकता है नंबर 1, अपनी राय का इजहार कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।